स्वागत है आप सभी के हमारे सजीर भाई गुरु चैनल में आने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, मेरा नाम है सजीरुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सजीर भाई गुरु। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, ये बजाज कंपनी का 135 सीसी वाला, जैसे कि DTSi इंजन वाला बाइक है बजाज कंपनी का स्कोबार। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, इस बाइक में हो रहा है क्या, जैसे कि बोतल कॉयल है तो एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो ये स्पार्क प्लग में करंट, जैसे कि जब हम पिकअप दे रहे हैं तो इस वाला वायर पे जैसे कि मिस कर रहा है, जब पिकअप हाई कर रहा हूँ तो जैसे कि मिसिंग कर रहा है, और इस वाला प्लग पर ठीक है। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, अब हम जांच किस तरह से करें, जो हम लोगों का बोतल कॉयल ख़राब है या CDI कॉयल ख़राब है या पिकअप कॉयल ख़राब है। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 100% इसका प्रॉब्लम कहाँ है और ये प्रॉब्लम क्यों होता है। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, इस वीडियो में हम बताएंगे, कोई कोई बाइक में ऐसा होता है जो ये जो दोनों इग्निशन कॉयल होता है और इसे हिंदी में बोतल कॉयल बोलते हैं। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, ये दोनों स्पार्क प्लग में कोई कोई बाइक में करंट नहीं आता है, जैसे कि उस पार में आता है इस पार में नहीं आता है, बट कोई बाइक में इस पार में आ रहा है उस पार में नहीं आ रहा है। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, इस वीडियो में हम बताएंगे, जो अगर स्पार्क प्लग में जैसे कि एक प्लग पर करंट आ रहा है और एक में नहीं आ रहा है, तो हम लोग जाँच किस तरह से करें। तो चलिए मेरे मैकेनिक भाइयों, हम स्टार्ट करते हैं। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, एक हम आपसे विनती करते हैं, अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे जैसे कि वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, ये मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों का सपोर्ट होना चाहिए तभी हमको अच्छा लगेगा। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, चलिए हम शुरू करते हैं, आपको बताते हैं जैसे कि ये किस तरह से मिसिंग कर रहा है, पहले वो बताते हैं। तो चलो इग्निशन को ऑन करो और रुको और बाइक को स्टार्ट करो। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, यहाँ देखिए प्लग में करंट आ रहा है, जो सब पिकअप दीजिए, दीजिए जोर से दीजिए। बस छोड़ दीजिए, बंद करो। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, आपने देखा जब जोर से एक्सीलेटर हम घुमा रहा है तो ऑटोमेटिक इसमें करंट बंद हो जाता है, ठीक है। अब जैसे कि स्लो फिर करता हूँ तो फिर करंट आ जाता है। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, ये जो स्पार्क प्लग है, अब इसे भी हम आप लोगों को दिखाते हैं चेकअप करके। मेरे मैकेनिक भाइयों, आप लोगों ने देखा जो इसकी कॉयल का लाइन है, इस पार हमने देखा और ये लाइन कट नहीं हो रहा है पिकअप देने से, बट उस पार का कट हो रहा है। तो इसका रीज़न क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ मेरे मैकेनिक भाइयों, हम लोग चेकअप किस तरह से करें। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, ये जो CDI यूनिट होता है, इसमें जैसे कि हम लोगों का आउटपुट का दो वायर है, एक ब्लैक में रेड और एक ब्लैक, ठीक है। ये दोनों जो वायर है आउटपुट है, ये आउटपुट एकदम चल जाएगा, जैसे कि एक वायर यहाँ पर, यहाँ देखिए, और ये क्वायर जैसे कि ये बोतल कॉयल पे चल जाएगा, ठीक है। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, ये दोनों ये जाके लग जाएगा, तो अब यही जो दोनों वायर पे बोल्ट हम लोगों का मिस कर रहा है। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, अब हम आपको बता देते हैं हम लोग किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं, जैसे कि ये सब कुछ चेकअप करके भी आप लोग चेक कर सकते हैं, बट इसमें हम एक भी चीज़ चेकअप नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही चीज़ चेकअप करेंगे और ये कंफर्म हम लोगों को पता चल जाएगा ये प्रॉब्लम कहाँ से हो रहा है, ये इशू ख़राब सिस्टम कहाँ से हो रहा है। तो चलिए, तो ये जो कुछ तरह का वायर हम कटेंगे, ठीक है, बस कर दिया है। कपलर को हम खोलेंगे मेरे मैकेनिक भाइयों, इस कपलर को हमने खोला और सैंपल के तौर पे एक जैक पर यहाँ तार भरा और एक कपर पर ये भरा। अब इस तरह से हम जैसे कि इस कॉयल पे लगा देंगे मेरे मैकेनिक भाइयों। अब दोनों का लिंक हम इन्हें एक कर दिया, ठीक है। अब हम बाइक को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। तो चलो बाइक में स्टार्ट मारो। तो मेरे मैकेनिक भाइयों,
तो मेरे मैकेनिक भाइयों, आप देखो करंट आप लोग देख पा रहा है, आप जोर से पिकअप दीजिए। अब आप लोगों ने देखा जो इसमें करंट नहीं छोड़ रहा है, बंद करो बाइक को। अब करंट नहीं छोड़ रहा है तो मेरे मैकेनिक भाइयों, जैसे कि अगर बोतल कॉयल ख़राब हो, तो अगर CDI का पावर ख़राब हो, मैग्नेट में जो आर्मेचर होता है, पिकअप कॉयल होता है, ये सब यदि ख़राब होता तो हम लोगों का जो यहाँ स्पार्क में मिसिंग प्रॉब्लम होता। बट अभी जैसे कि दो वायर भरने का बाद इसमें मिसिंग नहीं कर रहा है। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, ये जो हम लोगों का CDI कॉयल होता है, मेरे मैकेनिक भाइयों, तो इसमें दो आउटपुट हम लोगों का निकलता है। और काफ़ी सारे बाइक में, जितना भी बाइक है उसमें स्पार्क प्लग एक ही रहता है, तो उसमें एक ही तार पर आउटपुट निकलता है। तो ये ख़राब हो गया CDI, और CDI का कारण ही ये प्रॉब्लम हो रहा है मेरे मैकेनिक भाइयों, जो इसमें मिसिंग कर रहा है। तो हम लोग को ये CDI न्यू लगाना पड़ेगा। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, अभी फ़िलहाल जैसे कि मार्केट में अभी नहीं मिला मैंने देखा, और अभी इसी डायरेक्टली अभी इसी बाइक को चलाएगा, और जब मार्केट में मिल जाएगा मेरे मैकेनिक भाइयों, तो ये CDI कॉइल चेंज कर देगा, बस हो जाएगा। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, यही था हम लोगों का जैसे कि बताने का फार्मूला। और स्पार्क प्लग में अगर करंट एक में आ रहा है, एक में नहीं आ रहा है, तो मेरे मैकेनिक भाइयों, ये CDI कॉइल ख़राब होने का कारण ही ऐसा होता है। तो हम लोगों का जो आउटपुट है मेरे मैकेनिक भाइयों, अगर इनपुट अगर हम लोग का ठीक रहे तो ऑटोमेटिक ही आउटपुट वोल्ट ठीक निकलेगा। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बाइक के साथ रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूँ और दिखाते रहता हूँ।